गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी की इस क्लास में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमने आपको पहले भी बता दिया है कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन, जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमेह से बचाव के लिए इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगर इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहता है तो शुगर नहीं होती है, लेकिन अगर इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये इंसुलिन जो है वो हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका उत्पादन बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को इंसुलिन का डोज दिया जा सके, जिसकी वजह से वो शुगर से बचे रहें। तो यहाँ पर कैसे किया जा सकता है, आप देखिए, इंसुलिन जो होता है उस हार्मोन को बनाने के लिए कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस जीन्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उस जीन्स की स्टडी करेंगे। उस जीन्स की स्टडी करने के बाद हम लोग इंसुलिन को जो है आर्टिफिशियली तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या किया जाता है, बायोटेक से पहले यानी जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी उसके पहले इंसुलिन का उत्पादन चौपाया जंतुओं के अग्नाशय से किया जाता था। यानी कि जो चौपाया जंतु होते हैं जैसे भेड़ बकरी होती है, उनके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है, जो पूर्णतया मानव इंसुलिन के समान नहीं होता था। यानी कि प्राप्त तो किया जाता था चौपाया जंतुओं से, लेकिन वो पूर्णतः मानव इंसुलिन के समान नहीं होता था। तो जिससे कि क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती थी, उसको सूट नहीं करती थी ये वाली इंसुलिन जो कि चौपाया जंतु से प्राप्त की जाती थी। तो बायोटेक की सहायता से सर्वप्रथम एली लीली नामक संस्था, जो कि अमेरिकन संस्था थी, उसने सबसे पहले मानव इंसुलिन को बनाया। बायोटेक की सहायता से सर्वप्रथम एली लीली नामक संस्था ने सर्वप्रथम इंसुलिन को बनाया। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो मानव इंसुलिन होता है उसमें दो श्रृंखलाएँ होती हैं, ए तथा बी। जैसे कि लास्ट में बताया था कि जो इंसुलिन होता है उसमें दो श्रृंखलाएँ होती हैं, ए और बी। लेकिन जब इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से तो वो प्रो इंसुलिन के नाम से स्रावित होता है, और प्रो इंसुलिन में कुल तीन श्रृंखलाएँ होती हैं, ए, बी और सी। तो जब वो मैच्योर हो जाता है इंसुलिन के रूप में, तब उसमें केवल दो श्रृंखलाएँ बचती हैं, ए और बी, और सी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मानव इंसुलिन की ए तथा बी श्रृंखलाओं के न्यूक्लियोटाइड ज्ञात करके डीएनए को इकोलाई के प्लाज्मिड से जोड़कर जीवाणु में प्रविष्ट कराकर फर्मेंटेशन टैंक में संवर्धन किया जाता है, और टैंक से जो पदार्थ मिलता है उसका उसी से इंसुलिन को पृथक कर लिया जाता है। मतलब समझिए, मानव इंसुलिन की जो ए तथा बी श्रृंखलाएँ हैं उसके न्यूक्लियोटाइड के क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड का क्रम मतलब कि कौन सा बेस सिक्वेंस आएगा एक के बाद एक, उसको ज्ञात कर लिया जाता है। फिर उस डीएनए को अलग करके इकोलाइट के प्लाज्मिड से जोड़ करके जीवाणु में डाल दिया जाता है, और जीवाणु को फर्मेंटेशन टैंक में संवर्धित किया जाता है, जहाँ से ये इंसुलिन बनाता है, और उस फर्मेंटेशन टैंक से इंसुलिन को पृथक कर लिया जाता है। और पृथक करने के बाद उसे दोनों श्रृंखलाएँ, जो ए और बी दोनों श्रृंखलाएँ हैं, उसको हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ करके मानव इंसुलिन, जिसे हम लोग ह्यूमुलिन भी कहते हैं, प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, अभी हम आपको बताते हैं। मानव इंसुलिन के समान ही ह्यूमोलॉग नामक प्रोडक्ट भी उपलब्ध है, यानी कि मानव इंसुलिन के समान ही एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ह्यूमोलॉग। क्या नाम है? ह्यूमोलॉग, HUMOLOG, ह्यूमोलॉग नामक प्रोडक्ट उपलब्ध है। यह अधिक लाभकारी होता है शुगर के रोगियों के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से संवर्धन किया जाता है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को अलग कर लेंगे, फिर ह्यूमन सेल से हम लोग वांछित जीन को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर ये अलग हो गया, यहाँ से हमने प्लाज्मिड को अलग कर लिया। प्लाज्मिड को अलग करने के बाद ह्यूमन सेल से हमने वांछित जीन को अलग कर लिया जो कि इंसुलिन बनाती है। अब इसको हम लेने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो अब देखिए, इस प्रकार से
इसको और इसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ पर, प्लाज्मिड बैक्टीरियल प्लाज्मिड ह्यूमन जीन इंसर्टेड, यानी कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड में के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, ह्यूमन जीन को इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद इसे हम लोग वापस से प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अब ये इसको हम लोग फर्मेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। फर्मेंटेशन टैंक में डालने के बाद ये यहाँ पर ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद इसके अंदर जो भी मटेरियल बचता है, उस मटेरियल को हम लोग अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद सेपरेट करने के बाद यहाँ से हम लोग ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके बाद आप देखिए, इस इंसुलिन को हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं रोगी के अंदर। तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले क्या किया गया, बैक्टीरिया से अलग करने के बाद इसको यहाँ से मानव इंसुलिन को निकाल लिया गया। मानव इंसुलिन को ऐड करने के बाद यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर लिया गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं कहाँ पर, बैक्टीरिया सेल के अंदर, और इसको उठा के कहाँ डाल देते हैं, फर्मेंटेशन टैंक के अंदर जो भी मटेरियल बनेगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे और ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगी। तो इस प्रकार से शुद्ध रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इंसुलिन को बायोटिक की सहायता से। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।